हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज करेंगे यूपी बोर्ड 2020 में पूछे गए भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं होता, माध्यम गैस वगैरह नहीं होती, परिणाम स्वरूप प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और हमें आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर दो है, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा, तो ओम का नियम क्या कहता है? बी बराबर आई गुणा आर, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो बी और आई में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह की एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। इसका उत्तर ए सही है, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर तीन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो हमारा फोकस दूरी एफ बराबर होता है आर बटे दो। तो आर हमारे पास 32 सेंटीमीटर है, दो से भाग लगाएंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर, बी उत्तर सही है। एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है, लघु परिपथ का मतलब है शॉर्ट सर्किट। जब सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो धारा अधिकतम हो जाती है और परिपथ में आग लगने की भी चांस रहते हैं, तो यहाँ से सी इसका उत्तर सही है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस वीडियो में चार प्रश्नों को हल किया जो कि आपकी आने वाली 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।